स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चैप्टर नंबर 8 के बारे में बताएंगे, जो कि वक्रों के चाप तथा लंबाई नाम का चैप्टर है। यह चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ अकेले इस चैप्टर से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक एक करके दो जो क्वेश्चन है आपके एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें आपका डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले वक्रों की चाप तथा लंबाइयां, इसमें है आप सभी स्टूडेंट के पास 3 फॉर्मूले और इन तीनों फॉर्मूले को हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं, फिर इस पर जितने क्वेश्चन है उसको आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। दिया गया है आपका वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके बिंदु x इज इक्वल टू ए तथा x इज इक्वल टू बी, इसके बीच की जो लंबाई होती है वह होती है s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक अंडर रूट में 1 + dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx। ठीक है, यह जो आपको फॉर्मूला है यह आपका x इज इक्वल टू ए तथा x इज इक्वल टू बी के बीच के लंबाई का फॉर्मूला होगा, जब आपका दिया गया रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई ना कोई एक कर्व। दूसरे फॉर्मूले पे हम आते हैं कि यदि दिया गया है कोई आपका x इज इक्वल टू एफ वाई कोई कर्व है और इस कर्व के बिंदु y इज इक्वल टू सी तथा y इज इक्वल टू डी के बीच की यदि आपको लंबाई पूछेगा, तो s इज इक्वल टू आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन c से लेकर के d तक, फिर अंडर रूट में आपका 1 + dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, फिर अपॉन में आपका इंटू में हो जाएगा dy। इसी तरीके से आपका मान लीजिए कि कोई आपका वक्र x इज इक्वल टू एफ टी है तथा y इज इक्वल टू फाइव टी है, तो इस स्थिति में t इज इक्वल टू ए तथा t इज इक्वल टू बी, बी के बीच की जो आपकी लंबाई होगी वह हो जाएगी आपकी s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा b से लेकर के a तक, अंडर रूट में आपका हो जाएगा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर और फिर प्लस में आपका हो जाएगा dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो आइए इन तीनों फॉर्मूले को तो पहले याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला एक नंबर में पूछता है। और अब हम बताते हैं इस पर का क्वेश्चन। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है यह दिया गया है कि वक्र y इज इक्वल टू एक्स टू द होल पावर आपका 3/2 दिया हुआ है। इसका जो x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 5 तक की हमको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब हमको लंबाई ज्ञात करनी है तो हमारे पास लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यह होता है आपका s इज इक्वल टू a से लेकर के और b तक आपका होता है, और फिर अंडर रूट में आपका फॉर्मूला मैंने अभी क्या पढ़ा है, तो 1 + dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो मैं पहले बात तो सीधे तौर पे अभी पहले मैं dy अपॉन dx का होल स्क्वायर निकालूंगा, फिर उसमें जो है हम 1 को ऐड कर देंगे, उसके बाद जो है हम आगे की प्रोसेस को करेंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं तो हमारे पास दिया गया है वक्र y इज इक्वल टू x टू द होल पावर 3/2। जब आप इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो यदि आप इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू को निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3/2 और फिर x टू द होल पावर आपका क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। यह आपका x टू द पावर n के फॉर्मूले को क्या करेगा स्टूडेंट, तो x टू द पावर n के फॉर्मूले को यह जो है कवर करेगा और इस तरीके से जो है आपका यह वैल्यू आपकी आराम से निकल के आ जाएगी। यह जो वैल्यू है आपकी किसकी वैल्यू है, तो यह जो वैल्यू है आपकी सिंपली किसकी है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू है, है ना। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, तो अब हमको जो बात करनी है वह करनी है 1 + dy अपॉन dx की, है ना। तो यदि हम dy अपॉन dx की तो वैल्यू निकाल लिए, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो जो हमको वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो सबसे पहली बात तो हम कर देते हैं स्टूडेंट dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, क्योंकि dy अपॉन dx का होल स्क्वायर आपको ऑलरेडी फॉर्मूला में मिलेगा। तो यदि आप यहाँ से dy अपॉन dx का होल स्क्वायर कर देते हैं तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और x टू द होल पर 1/2 का स्क्वायर जो है यह x हो जाएगा, तो हमें मिला 9x/4। लेकिन फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए स्टूडेंट, तो 1 प्लस में आपका चाहिए dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx का तो होल स्क्वायर आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, इसमें आप 1 ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो बनेगा आपका 1 + 9x/4। और इसमें यदि आप LCM वगैरह लेकर के आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सिंपल तौर पे आपका बन जाएगा क्या, तो 4 + 9x
स्क्वायर अपॉन में आपका 4 बन गया है ना। अब यह आपका टोटल अंदर का इसका जो मटेरियल है फॉर्मूले में कि 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने सीधे तौर पे निकाल ली। तो अब आइए हम s की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो s का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से यहां पर लिख देता हूं कि a से लेकर के b तक दिया हुआ है, फिर अंडर रूट में आपका क्या था, तो 1 प्लस में आपका क्या था dy अपॉन में आपका यहां पे था dx का होल स्क्वायर, और फिर आपका यहां पे क्या था स्टूडेंट, तो dx था। यह क्या इंप्लाइज करेगा आपका, तो यह इस बात को इंप्लाइज करेगा कि x इज इक्वल टू 0 तथा x इज इक्वल टू 5, यानी कि आपका a इज इक्वल टू 0 और a b इज इक्वल टू 5 है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर कर 5 तक हो गया, और आपने सीधे तौर पे 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, यह है आपका 4 प्लस 9x, फिर अपॉन में आपने निकाला हुआ है यहां पे 4, और फिर आपने यहां पे क्या किया हुआ है सीधे तौर पे dx किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं कि 1/4 जो है अंडर रूट में ये क्या है आपका कांस्टेंट है, तो आप यहां से अंडर रूट में 4 है तो ये बाहर निकलेगा, तो स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, और यह 1/2 आपका सीधे तौर पे क्या चला जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो यह इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के और यहां तक 5 तक बन गया, और वाकई में इंटीग्रेशन हमारा क्या बना, तो 4 प्लस 9x ये हमारा बन गया, उसके बाद आपने यहां पर dx लिख लिया, इतना हमारा इंटीग्रेशन बन गया। अब अंडर रूट में स्टूडेंट चूंकि यह है तो आपको पता है कि पावर एक्स बाई 1/2 हो जाता है अंडर रूट का, तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो यह आपके क्या हो जाएगा 4 प्लस 9x, और इसकी पावर में आपका क्या हो जाएगा बच्चे, तो इसकी पावर में हो जाएगा आपका 3/2, क्योंकि 1 प्लस 1/2 आपका यह चीज होता है ना, और उसके बाद यहां पर 3/2 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यह याद रखिएगा, तो जो एक्स का गुणांक रहता है वो आपका मल्टीप्लाई होता है, यह चीज आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो आपने यहां से लिख लिया, अब साथ ही साथ हमको 0 से लेकर के 5 तक ये करना है, तो हमने यहां से 0 से लेकर के 5 तक भी लिख लिया है ना स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ रहा है आपको, तो 2 से 2 आप यहां से काट लीजिए, तो 27 हो गया, तो 1/27 जो है आपका क्या हो जाएगा, यह तो आपका सीधे तौर पे बाहर हो जाएगा। और आप यदि इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, x इज इक्वल टू यदि आप लेंगे अपर लिमिट, उसके बाद यदि आप लेंगे लोअर लिमिट, तो यह आपका निकल के आ जाएगा 49 के होल पावर 3/2, माइनस में आपका निकल के आ जाएगा 4 के होल पावर 3/2, और इसको आप कैसे हल करेंगे आप खुद से बताइए। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, इसको मैं करता हूं 1/27, और 49 को मैं क्या करूंगा, तो 7 का स्क्वायर लिख दूंगा, तो 7 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 3/2 आपका है, माइनस में मैं 4 को लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाइड में आपका ऑलरेडी 3/2 है, और उसके बाद यहां पर क्या है स्टूडेंट, तो कुछ नहीं है, अब मैंने फाइनल वैल्यू रख दिया है, 2 से 2 काट दीजिए, फिर यहां भी आपने 2 से 2 काट दिया, आराम से कट जाएगा ये चीजें, तो 1/2 में आपका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यहां पे आप लिख लीजिएगा 7 का क्यूब, और माइनस में आपका 2 से 2 वहां पे कट गया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 2 का क्यूब हो जाएगा, 7 के क्यूब को सॉल्व करिएगा, उसमें से आप 2 के क्यूब को घटा लीजिएगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बच्चे, तो 335 और अपॉन में आपका यहाँ पे 27 ऑलरेडी है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको, इस चीज को भूलना नहीं है। आइए स्टूडेंट हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपका दिया गया है क्या, आपका वक्र है कि y इज इक्वल टू आपका वक्र दिया हुआ है 1/2, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है e टू द पावर x, और प्लस में आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है e टू द पावर माइनस x, कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के बीच की लंबाई ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया है लंबाई वाला फॉर्मूला भी आप आराम से यूज कर लेंगे है ना, अभी आपने निकाला है कि लंबाई हम कैसे निकालते हैं। आइए तो सबसे पहले हमको तो क्या निकालना रहता है, सबसे पहले हमको dy अपॉन dx निकालना रहता है, तो यदि आप इसका dy अपॉन dx निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपका e टू द पावर x हो जाता है, माइनस में आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस e टू द पावर माइनस x, कैसे हो गया, क्योंकि e टू द पावर माइनस x का तो e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, और माइनस से x का माइनस 1 होगा तो प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा, तो वहां से आपने इस चीज को लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। लेकिन आपको फॉर्मूला में क्या कहता है निकालने के लिए, तो फॉर्मूला में आपसे कहा जाता है कि भैया हमें निकाल के दीजिए 1 प्लस में dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, है ना, ये कहा जाता है ना आपसे फॉर्मूला में निकालने के लिए। तो
इसी चीज को निकाल लीजिए, तो आपका ये हो जाएगा वन और फिर प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर, मतलब कि वन अपॉन टू, और उसके बाद आपने इस ब्रैकेट में लिखा है e टू द पावर x और माइनस में आपने लिखा है e टू द पावर माइनस x, और फिर इसी का तो हमें कहा जा रहा है होल स्क्वायर निकालने के लिए, तब तो हमारा पूरी तरीके से खेल खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा सारी चीजें। तो वन प्लस यहाँ पे आप देखिए वन अपॉन टू का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, तो वन अपॉन आपका क्या हो जाएगा आसानी के साथ आपका फोर हो जाएगा, और उसके बाद अब इसका आप हो स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह e टू द पावर x हो जाएगा और माइनस में आपका हो जाएगा e टू द पावर माइनस x, और इसका हो जाएगा टोटल का आपका क्या हो जाएगा बच्चे स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहां से सीधे तौर पे यदि आप चार क्या लेंगे यहां से एलसीएम ले लेंगे, तो जब आप चार एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका चार एकम चार हो जाएगा ना, और उसके बाद आप यहां से तोड़ दीजिए ए स्क्वायर प्लस में आपका होता है बी स्क्वायर है ना, और उसके बाद क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और टू ए के जगह पर आपका ई टू द पावर एक्स है और बी के जगह पर ई टू द पावर माइनस सिक्स है, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे ई टू द पावर जीरो हो जाएगा जिसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं है ना, मैंने इसको समझाया है ताकि जो है आपके स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली यह चीजें क्या बनेंगी जरा हमें बताइए, तो ये आपकी चीजें बन जाएंगी फाइनली क्या, तो वन अपॉन में आपका बन जाएगा फोर, और उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा e टू द पावर टू एक्स, और फिर यहाँ पर प्लस में आपका बन जाएगा e टू द पावर माइनस टू एक्स, और फिर यहाँ पर प्लस में आपको क्या बन जाएगा टू बन जाएगा, और इस तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, आपने इसको लिख लिया ये एक्चुअली में था क्या, तो वन अपॉन में फोर था और e टू द पावर एक्स था, प्लस में आपका e टू द पावर माइनस एक्स था और इसी का स्क्वायर था, ठीक है और तो कुछ था नहीं। आइए हम लंबाइयां निकाल लेते हैं, जो बीच की लंबाई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो जीरो से लेकर के एक तक कहा गया है, तो मैं यहाँ पे जीरो से लेकर के एक तक लिख देता हूं, और उसके बाद क्या था क्वेश्चन में कि वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने सीधे तौर पर निकाली है वन अपॉन में फोर और ई टू द पावर एक्स, फिर प्लस में हमने निकाली है ई टू द पावर माइनस एक्स, और उसका क्या हमने निकाला है स्टूडेंट, तो स्क्वायर निकाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे, अंडर रूट में आपका स्क्वायर है तो यह एक चीज आपका बाहर निकल के आ जाएगा। तो यह s इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, जो एक बटा चार है यह क्या हो जाएगा निकलेगा तो एक बटा दो हो जाएगा, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो जीरो से लेकर के एक तक आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, तो e टू द पावर x, और फिर प्लस में आप क्या लिख सकते हैं यहां से e टू द पावर माइनस x, उसके बाद आप यहां से क्या लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं, बिल्कुल dx लिख सकते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आपका 1 अपॉन 2 ऑलरेडी हो गया e टू द पावर x का e टू द पावर आपका x ही हो जाएगा, फिर माइनस में ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस x, और ये कहां से कहां तक था बच्चे, तो जीरो से लेकर के और एक तक था, यही तो था आपका है ना। अब यहां पे देखिए चूंकि 1 अपॉन 2 आपका कॉन्स्टेंट टाइप का है, तो इस पे जो है हम अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं रखेंगे, तो आइए हम सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के देख लेते हैं कि क्या आंसर आपका आने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर वन, फिर e टू द पावर आपका क्या हो जाएगा जीरो, फिर माइनस में आप यहां से क्या रखेंगे तो e टू द पावर माइनस वन, फिर माइनस में आप यहां पे क्या रखेंगे तो e टू द पावर जीरो रखेंगे, और आप भी अब यहां से सॉल्व कर सकते हैं, यहां से तो मुद्दा बिल्कुल ही आसान हो गया, आपको मैंने ऑलरेडी बनाया है, क्या बताया है कि किसी भी का पावर यदि जीरो रहता है तो उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, तो आपकी जो वैल्यू होती है वो वन के बराबर हो जाती है, और आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं e माइनस वन माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, e टू द पावर माइनस वन को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो वन अपॉन ई लिख सकते हैं, और माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो ये माइनस वन से प्लस वन भी काट दीजिए, यह भी आपको समझ में आ गया होगा, तो ये वन अपॉन टू आपका हो गया, या e माइनस में आपका हो गया वन माइनस सी, और यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वक्रों के चाप की लंबाइयां निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट कि यदि आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं और क्रैश कोर्स से जुड़ के आप अपनी सेकंड सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल करें, और आप अपने सभी सब्जेक्ट के साथ साथ आपके जितने सारे ट्रेड सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आसान भाषा में कर सकते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए आपको देरी नहीं करना है, दिए गए नंबर पे आपको कॉल जरूर करना है।
वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।